दोस्तों आज मेरा ये वही जेट का प्लांट है जिससे मैंने पहले भी एक टोपियारी बनाई है, और आज इसमें ये देख रहे हैं ये इसी प्लांट से बनाई थी, और इस प्लांट को देखिए अभी भी ग्रोथ इसकी बहुत अच्छी है, और आप देख रहे हैं कि ये दो पार्ट में बटा हुआ है। ये देखिए दो शेप है इसकी, ये देखिए इस तरीके से ये एक शेप बन जाएगी और आगे की ये एक शेप बन जाएगी। तो मैं आज इसको पीकॉक की शेप दूंगी, बहुत सुंदर लगेगा ये। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा, एक हमने यहाँ पर आयरन का तार लिया है, एक ये वायर लिया है मैंने बांधने के लिए जो अच्छी तरीके से जल्दी से मोल्ड हो सकती है, और कटिंग के लिए मैंने यहाँ पर प्लास लिया है। तो शुरू करते हैं। अब इस शेप को हम यहाँ पर इस तरीके से पकड़ लेंगे। तो हमने ये जो वायर लिए इसको हम इसके साथ बांध देंगे। ये देखिए यहाँ से मैंने कट के, और ये तार ऑलरेडी मुड़ा हुआ है थोड़ा, तो हम इसको इस शेप के साथ बांधते हुए पहले ही चलेंगे। ये इसी टहनी के साथ बांधते हैं, इस टहनी के साथ मैंने पहले ही बांध दिया है, और अब इसी के साथ मैं इसको लपेटती हुई चलूँगी। बाद में हम अच्छे से बांधेंगे, अभी ये मोटा तार है जिससे थोड़ा सा शेप देने में इजी नहीं होगा, बाद में हम अच्छे शेप देंगे, बस एक फाइनल सी शेप इसमें बन जाए इसलिए इस तार का यूज़ हम कर रहे हैं। अब हमने इस तार के सहारे इसकी हमने गर्दन का शेप दे दिया है। अब हम दूसरी वायर लेंगे जो बहुत आसानी से मुड़ती चली जाएगी, इसके साथ हम इसको बांधते चले जाएंगे। और जब हम इसको फाइनली इससे बांध दें पतली वाली वायर से, तो जितनी भी जो स्टिक्स हैं जो ब्रांचेस हैं वो इसके अंदर करते जाएंगे। हमने इसको गर्दन को, हमने इस शेप में इसकी गर्दन को शेप दे दिया है, आप देख सकते हैं ये मोर की शेप आ गई है, और हमने अच्छी तरीके से इसे बांध दिया है। अब ये देखिए ये पीछे की जो ये इसकी ब्रांचेस हैं इसको हम इकट्ठी करके इस तरीके से बांध लेंगे, और जो एक्स्ट्रा लीव्स आएंगी बीच बीच में हमें इसकी कटिंग भी करनी पड़ेगी, शेप देना पड़ेगा, इतनी जल्दी नहीं तैयार होगी, इसको तैयार करने में एक दो साल का समय लग सकता है। तो अभी मैंने इसको शेप दिए, बीच बीच में से जो एक्स्ट्रा कटिंग होगी वो हम एक्स्ट्रा कटिंग करते जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से बांध रही हूँ। मैंने पूरी शेप दे दी है इसको, ये देखिए जो एक्स्ट्रा लीव्स हैं इसको फंसा के शेप देते हुए मैं इसको जो पीछे की तरफ है पीछे को बढ़ाती जाऊंगी, और यहाँ से मैं इसको जो एक्स्ट्रा लीव्स हैं उसको कटिंग करती जाऊंगी, और अब मैं थोड़ा सा इसमें डालूंगी, डेकोरेट कर रही हूँ इसको वाइट पत्थरों से। बरसात में मोर ज़रूर नाचता है, और नाचता हुआ देखा भी होगा आपने कहीं आते जाते, लेकिन अब तो मेरे गार्डन में ये परमानेंटली नाचेगा। हाँ, इसकी कटिंग जैसे ये देखिए, एक चीज़ और बताती हूँ, ये देखिए ये जो आपकी ये देखिए कटिंग दिख रही है यहाँ पे दिख रही है ग्रोथ, अब इसको मुझे घनी ग्रोथ लेनी है तो मैं इसको कट कर दूँगी। अब जब कट करूँगी तो यहाँ से एक नहीं चार निकलेंगी, चार नई ब्रांचेस आएंगी, और ये पीकॉक के जो फैदर हैं ये भी हमारे घने हो जाएंगे। इसी उससे मैंने देखिए इतनी कटिंग करी है, अभी इतनी सारी कटिंग मैंने करी है, और इसको फेंकना नहीं है मुझे, इसको मैं दूसरे पॉट में ग्रो करूँगी। कहते हैं जेट प्लांट रखना घर में शुभ होता है, और सबसे अच्छा फ़ायदा ये होता है कि बहुत ईजीएस्ट ग्रो होने वाला प्लांट है, और आप कहीं पर भी इतनी सी ग्रो कर लेंगे ना, और ये बहुत अच्छा प्लांट बन जाएगा आपके घर में।